but I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion that's ever been. There's no one can stop me. तो हे गाइस, तो गाइस स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग का दिन बहुत 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 अच्छा जाए। तो गाइस आज हम शूट करने वाले हैं मम्मी के जो एनिवर्सरी पे जितने भी गिफ्ट आए थे उन सब का हम शूट करने वाले हैं। एंड गाइस जितने ही मम्मी को गिफ्ट मिले थे हम वो सब कुछ अभी शूट करने वाले हैं। तो चलते हैं मम्मी के पास और करते हैं सारे गिफ्ट का अनबॉक्स। तो चलो गाइस चलते हैं। हाँ जी, ये देखिए। तो गाइस ये मम्मी को गिफ्ट्स मिले थे एनिवर्सरी पे, ये सारे आप देख सकते हैं। मम्मी बारी हमने कल खोल लिए थे, फिर थोड़ा कुछ काम आ गया, फिर हमारे आधे रह गए, खोल पूरे लिए थे क्योंकि टाइम बहुत लगता है। तो जो हो गए हैं वो हमने रख दिए, जो नहीं हुए हैं वो आज। अब मम्मी सबको मतलब सब बताएंगे किसके मतलब क्या गिफ्ट थे क्या नहीं। ये है सुंदर सा लैंप सोनिया का, बहुत ही प्यारा है, जल के बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सोनिया, ये यूज कर रहे हैं हम इसको। थैंक यू। और मम्मी अब अगला किसका दिखाओगे? ये है पूजा आंटी का, पूजा आंटी ने गिफ्ट दिया था किटी में, किटी मेंबरों के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, ये पर्स दिया था आंटी ने, जो कि बहुत सुंदर, काफी सुंदर पर्स है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कलर है भी नहीं मेरे पास। थैंक यू पूजा, थैंक यू। ये है पायल आंटी का, पायल आंटी ने ये सूट दिया है मेरे को, जो कि बहुत अच्छा है, इसको मैं सिलवाऊंगी पायल, बहुत अच्छा लगा मुझे, फैब्रिक वगैरह कलर बहुत बढ़िया है इसका, फैब्रिक नहीं वो दिख मतलब वो अच्छा है, मतलब दिख भी रहा है, मतलब बनेगा तो अच्छा लगे। ऐसे मतलब ऐसे टाइप के जो कलर्स होते हैं ना, वो मतलब का, वो काफी अच्छा भी लगता है। मैंने बोला आंटी की बात हुई थी तो मैंने कहा जरूर सिलवाऊंगी, तो बहुत अच्छा है। नहीं वो देखो ना फैब्रिक भी इसका अच्छा है, बढ़िया अच्छा फैब्रिक, कलर भी यूनिक है। हाँ एकदम, ये है नहीं मेरे पास। और एक और प्लाजो सेट जो कि ज्योति आंटी ने दिया है, क्योंकि जो समर कलर है अभी जो गर्मी आएंगी हम इसको पहनेंगे ज्योति पक्का, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वाइट और ट्विनिंग करेंगे, तुम्हारे पास भी तुमने बोला था सेम है, दोनों इकट्ठे पहनेंगे कभी, बहुत अच्छा है। और ये है अगला। हाँ ये है सामने जो संध्या आंटी की टीम गई थी, आंटी लोग उसमें ली बताओ, तो ये उन्होंने बेडशीट दी है बहुत प्यारी सी, ये हमने खोल लिए थे क्योंकि खोलने में बहुत टाइम लगता है, तो नाम याद रखें क्योंकि गाइस एक्साइटमेंट भी होती है कि क्या क्या दिया है क्या नहीं दिया है, तो वो रुका नहीं जा रहा था मम्मी से, तो मम्मी ने पहले झूठ है टाइम लग रहा था, वो आधे खोले तो उसमें बहुत टाइम गया, अब देख आधे में। तो ये संध्या आंटी ने दिया था, थैंक यू संध्या भाभी प्यारे से गिफ्ट के लिए। और ये है बंगाली आंटी का बेडशीट, उन्होंने एक सूट दिया है मेरे को रखा है, और एक जोड़ी बिछिया दिए हैं, और ये दिया, थैंक यू भाभी, थैंक यू, बहुत अच्छा ये। हाँ और बहुत सारी ब्लेसिंग दी। यो बोले यो यो। ये है सीमा आंटी का जो कि बेडशीट है, मुझे एक साल बेडशीट नहीं खरीदनी, अब मम्मी को खरीदने की जरूरत नहीं, मैं बोले ऐसे ही चेंज होता है, बहुत अच्छी है। थैंक यू सीमा, थैंक यू, बहुत अच्छी है आपकी बेडशीट जो मुझे गिफ्ट में दी है। और ये है मेरी किटी मेंबर प्रीति का, जो कि एक नेक पीस है, बहुत सुंदर, कलर भी बहुत अच्छा है ना, काफी अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा, पसंद भी आया मेरे को, बहुत सुंदर है ना, मस्त है, काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू प्रीति। थैंक यू सो मच। ये अंजू आंटी ने दिया है जो कि दो मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि काफी दिन हो गए, इतना यूजफुल है ना, टपरवेयर के फोर बॉक्स हैं ये, टिफिन टाइप के, बहुत सुंदर है, बहुत ही यूज, हाँ अच्छे बहुत है, तो दो तो मैंने निकाल ही लिए थे तुरंत ही, तो ये दो अभी। ओके और क्या बचा है? गिफ्ट ठंडियों के लिए, जो कि है क्योंकि गाइस आप जानते हैं ठंडी में एक तो कंबल में चाय और कंबल, मतलब कंबल नहीं बेडशीट है ये, अच्छा बेडशीट है मेरे को, हाँ, गरम, गरम गरम है। अच्छा मेरे को इतना बड़ा पता, मतलब ऐसे मतलब कंबल टाइप में मेरे को लग रहा था, फिर हमने खोल के देखा तो इसमें पिलो कवर था। अच्छा मतलब वो जो ऐसे थोड़ी मोटी वो आती है बेडशीट, जो रहती है जो ऐसे बिछाई जाती है, वो
हुआ ना, एक अपने पास एक सही। और वाह तकिया भी हो वैसे। ये है मोना, विमे भाभी जी और इंदु, तीनों ने मेरे को मिलके ये दिया है, बहुत ही सुंदर। नहीं काफी अच्छा लग रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये है मेरी फ्रेंड है सविता भाभी, ये पूरा एक टी सेट है पूरा एकदम। ये सब देखिए, दूध के लिए, शुगर के लिए, कप, केटली, गिलास, सब चीज है, जो कि बहुत अच्छा है, बढ़िया। ये शुगर के लिए शायद है ना, कितना प्यारा है ये देखो, कैसे था ऐसे था। ये गार्डन में बैठे हूँ पूरा दूध चाय सब कुछ सब लेके बैठू। ये काम आएगा, ये काम आएगा शादी में। शादी में क्यों? शादी में नहीं, शादी में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ऐसे तुरंत लेते जाओ लेते जाओ, चलो नंबर लगाओ। अच्छा बरली पूरी। हाँ नंबर लगाओ। और मजा भी इतना आया, और किटी में भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छा लगा, इतने सुंदर प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए, बहुत ही अच्छे मुबारकबाद दी। हाँ बहुत अच्छा लगा। और तीन दिन सेलिब्रेशन, ये गार्डन में बैठे हूँ पूरा दूध चाय सब कुछ सब लेके बैठू। ये काम आएगा, यह काम आएगा शादी में। शादी में क्यों? शादी में नहीं, शादी में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो ऐसे तुरंत लेते जाओ लेते जाओ, चलो नंबर लगाओ। अच्छा बरली पूरी। हाँ नंबर लगाओ। और मजा भी इतना आया, और किटी में भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत अच्छा लगा, इतने सुंदर प्यारे प्यारे गिफ्ट दिए, बहुत ही अच्छे मुबारकबाद दी। हाँ बहुत अच्छा लगा। और तीन दिन सेलिब्रेशन चला, पूजा फिर अगले दिन। और मम्मी आपको कैसा लगा, आपकी कैसे लगा आपको अपना 25th एनिवर्सरी? बहुत अच्छा। हाँ मतलब आपको ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा था आपके, मतलब किसी भी चीज में हो, वो पूजा में हो, सत्संग में हो, अच्छा, वो अच्छा। मतलब सेलिब्रेशन में हो, बहुत बढ़िया। वही तो हम कह रहे हैं, जिससे कोई नहीं आ पाया तो ऐसा लगा नहीं, क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग जो उस दिन भी आ गए थे मुझे विश करने के लिए, ज्योति आई, सीमा आई, सामने आंटी आई, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। पूजा वगैरह हुई गुरु जी का, सत्संग तो क्या ही चाहिए, तो ऑल ओवर बहुत अच्छा रहा। ओके थैंक यू गाइस सबको। है मिक्की जी का और टी सेट है ये मेरे ख्याल से। हाँ बहुत ही प्यारा है। थैंक यू मिक्की जी, मुझे बहुत पसंद आया आपका ये गिफ्ट, थैंक यू। वाकई में देखो बहुत सुंदर है। और ये गिफ्ट है रूपा का, इसमें देखते हैं क्या है। रूपा, वाह 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 वाह, बहुत सुंदर है देखो, वाह है ना। अरे वाह बहुत अच्छा, थैंक यू रूपा, बहुत अच्छा गिफ्ट है आपका। और ये है संगीता, इसमें देखते हैं। आई थिंक बेड शीट है मेरे ख्याल से, बेड शीट। हाँ वेरी, मैं ऐसे बोलो वाव, वेरी ब्यूटीफुल बेड। थैंक यू संगीता, थैंक यू, बहुत ही प्यारी आपने जो गिफ्ट दिया, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी बेड शीट है। और ये गिफ्ट है पूनम भाभी का, जो ऊपर रहती हैं, ये उनका गिफ्ट है, बहुत ही अच्छा सा फोटो फ्रेम है, बहुत अच्छा। थैंक यू भाभी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज मम्मी ने बनाए हैं सरसों का साग, अभी सरसों का साग बन रहा है, और मम्मी बना रही है मक्के की रोटी, मक्के की अभी तैयार हो जाएगा ना पूरा लगा के, रोटी टमाटा मार लू, साग बन चुका हूँ।
साग मम्मी ने बना लिया है भी, मम्मी रोटी के लिए भी आटा गूंथ दी रही। पूरा बताते लेकिन आपसे वही मैं एक्चुअली थोड़ा अपना काम कर रहा हूँ तो इसलिए। अभी जब गाइस पूरा बन जाएगा तो हम आप लोग को दिखाएंगे। अभी तो गाइस मम्मी अभी आटा गूंथ रही है, मक्के का रोटी बनाएंगे फिर खाएंगे फिर आपको कैसे क्या बनाना। मम्मी ने बना दिया यहाँ पे कौन सी रोटी, मक्के की रोटी। मक्के की रोटी और यहाँ पे अब डाले घर का बना हुआ मक्खन। ये देखिए तेरी फसल है पूरा। और गाइस मम्मी ने भी एक और काम कर दिया साग में, बहुत बढ़िया काम किया, मजा आ गया। वो तेरा इसमें दूसरे में, अच्छा दूसरे में डाले। अच्छा ये इसमें डाले किसमें, कहाँ वो दिखाना जरा किसमें डाले। लेकिन ये गाइस ये प्रॉपर पूरा साग है, सरसों का साग, सरसों का साग क्योंकि पापा को मतलब वैसे मम्मी ने हमारे में, और ये कल की दाल गाइस मम्मी ने हमारे में डाला है पनीर। हाय हाय आएगा नहीं तो मैंने कहा पनीर भी थोड़ा टेस्टिंग हो जाएगा, साग भी चला जाएगा, पनीर भी चला जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये अलग ये गाइस देखिए ये जो थाली है पूरी देसी थाली है, यहाँ पे गुड़ की रोटी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, ऊपर मक्खन और यहाँ पे देसी गुड़। मजे मजे मजे, हमको तो बहुत पसंद है। ये लग गई प्लेट की थाली। हमारा भी खाना आ चुका है, हमारे साग में डली हुई है पनीर और ये रही हमारी रोटी, रोटी के ऊपर घी। और मम्मी को मैंने अभी बोला है कि एक और रोटी और दे दे। तो हे गाइस, तो गाइस आई होप आप लोग को आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा है। तो गाइस अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को अक्षत सिंह ब्लॉग्स को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगाओ। तो गाइस क्योंकि finally, बहुत अच्छा व्लॉग है। तो गाइस फाइनली हम लोगों के 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब मतलब मैं आपको बोलते नहीं दिखूंगा तो गाइस जल्दी से 1K करवा दो। लेकिन हाँ गाइस आगे तो बढ़ना ही है, आगे तो बढ़ना ही है, ठीक है क्रिएटर है बढ़ना तो है ही। तो गाइस अब हम रोड चलाएंगे रोड टू 10K और अब हम ऐसा नहीं है, अब हम देखेंगे कि हम ये 10K कितनी जल्दी पार कर पाते हैं। मतलब जैसे मैं आपको पूरा ड्यूरेशन दिखाऊंगा कि आज से जैसे हमने चालू कर दिया तो अब कितने दिनों में वो कंप्लीट होगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, तब तक के लिए पीस।